नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है। जर्जर भवनों को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि इनका ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन आजमगढ़ का जिला पूर्ति कार्यालय तो अत्यंत ही खराब भवन में संचालित है। स्थिति यह है कि यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी व अपने अपने काम से आने वाले फरियादियों की सांस अटकी रहती है, कहीं कोई हादसा न हो। पहले भी इस जर्जर भवन को लेकर विभाग और अधिकारियों ने प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया। इस समय जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते खतरा भी ज्यादा पैदा हो गया है। यह भवन जिला पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है। जिला पंचायत के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य भवनों को तो पिछले कुछ वर्षों में ठोर ठिकाना मिल गया, लेकिन फिलहाल जिला पूर्ति कार्यालय अभी अपने पुराने जर्जर भवन में बरकरार है। डीएसओ सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि जिला पंचायत की भवन में यह कार्यालय चल रहा है, जिसके पहले ही कंडम घोषित किया जा सकता है। दो भवन नए भवन के लिए विज्ञप्ति जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं आया है। फिलहाल नए भवन के लिए प्रयास जारी है, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, यह सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। भी काम कर रहे हैं, भय का भी माहौल है, किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं? जी, हमारा जो कार्यालय जिला पूर्ति कार्यालय है, ये जिला पंचायत की बिल्डिंग है। हालांकि जिला पंचायत ने इसे जो है कंडम घोषित किया है, तो हम लोग नई जगह शिफ्टिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पेपर में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, और जो भी उसमें जो विज्ञप्ति में आवेदन आएंगे उस पर विचार करते हुए जो है उसमें से बेहतर विकल्प को हम लोग तलाश करते हुए शिफ्ट करते हैं। कितनी बार आपने साहब ने शिकायत किया हुआ अधिकारियों से? नहीं, इसमें जो है दो बार हम लोगों ने विज्ञप्ति जारी करी है। पिछली बार जो है कोई आवेदन नहीं आ रहा था, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय से भी संबंध में बात कर रहे हैं, उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। जल्दी हम लोग जो है किसी नए बिल्डिंग में